बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन जिंजर। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाई है और मसालेदार मैंने बनाई है। तो हम इस तरह करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। चिकन जिंजर के लिए मैंने लिए मीडियम साइज़ की ब्रेस्ट, ले लिया मैंने चिकन की, बोनलेस है। आप चाहिए तो हड्डी वाले चिकन से भी चिकन जिंजर को बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए, मैंने स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर ली है अच्छे से वॉश करके। इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो होता है सूखा वाला वो मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने ले लिया जी सफ़ेद जीरा भुना हुआ, मैंने उसको पीस लिया है। 1 टीस्पून रेगुलर घर का पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ प्याली मैंने लिया फ्रेश क्रीम घर की लिए मैंने, 1 प्याली टमाटो प्यूरी या टमाटर का पेस्ट ले लीजिएगा, आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रेगुलर जो दही होता है वो मैंने ले लिया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने लेके उनको मैंने चॉप कर लिया, आप चाहिए तो ऑमलेट कटिंग भी कर लीजिएगा। चिकन जिंजर है तो जिंजर इसमें ज़्यादा जाएगा। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है जी इसमें जिंजर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी गार्लिक, इसे भी मैंने चॉप कर लिया। और जिंजर मैंने फिर अगेन लिए क्योंकि जिंजर बना रहे हैं चिकन जिंजर, तो जिंजर जो है ये फिर लास्ट में भी हम कुक करने के बाद इसमें डालेंगे। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज ले ली हैं, मेरे पास तीखी वाली चिलीज थी, मैंने इसमें से सीड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए। अब हम इसको कुक करते हैं। आधी प्याली ऑयल लेके मैंने उसे गर्म कर लिया है, फ्लेम मेरा मीडियम लो पे है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है क्योंकि चिकन आपको वैसे ही पता है कि जल्दी से गल जाती है। और जो हमने इसमें प्याज टमाटर भी यूज़ किए हैं, हमने पेस्ट फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किए हैं ताकि चिकन भी जल्दी गल जाए और ये भी जल्दी से फ्राई हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं लाइट गोल्डन कलर में फ्राई करती हूँ ताकि प्याज का थोड़ा सा पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको ना अच्छे से गोल्डन करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या स्टेप करना है। शामिल करेंगे इसमें जिंजर, साथ इसमें जाएगा गार्लिक, इनको भी हम कुछ सेकंड के लिए प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। बहुत यम्मी सी आज की हमारी रेसिपी रेडी होगी, बनाइएगा ज़रूर। सर्दियां हैं, मज़े मज़े के खाने बनाएं और इन्जॉय करें। अब इसमें जाएगी टमाटो प्यूरी, इसमें पानी नहीं है क्योंकि प्यूरी जो होती है वो ऑलरेडी पकी हुई होती है। प्यूरी के साथ इसे मैं शामिल कर दूंगी चिकन। अभी मैंने किसी भी किस्म के इसमें स्पाइसेस जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। चिकन को अच्छे से ज़रूर वॉश कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकन को हमेशा जब चिकन मेरे घर आता है मैं मंगवाती हूँ मार्केट से, मैं उसको पहले सिरका डाल के अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। सिरका डाल के उसे धोने से ना जो उसमें जरासीम वगैरह होते हैं या एक्स्ट्रा जो ब्लड रह भी जाता है ना वॉश करके, तो वो सारे का सारा उसमें से निकल जाता है और चिकन आपका बहुत अच्छे से धुल जाता है और साफ़ हो जाता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर दूँगी, साथ ही दही को मैं अच्छे से फेंट के ना इसमें शामिल कर देती हूँ क्योंकि दही में आपको पता है पानी होता है। दही को और स्पाइसेस को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे, दही अपना पानी छोड़ेगा। फ्लेम मैंने मीडियम लो कर दी। जब आप दही या क्रीम का इस्तेमाल करें अपने सालन में तो फ्लेम जो है आपने मीडियम लो पे ही रखना है। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका थोड़ा फ्लेम जो है ना वो मीडियम पे करूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप डाल दूँगी पानी, मिक्स करके इसको मैंने अब करना है कवर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। मैंने एक दफ़ा रेस्टोरेंट में खाया था चिकन जिंजर, लेकिन रेस्टोरेंट वाले बहुत ड्राई फॉर्म में इसको बनाते हैं या वो फिर वो प्याज और टमाटर का इस्तेमाल कम करते हैं, उनके पास टाइम शॉर्ट होता है। लेकिन मेरे घर में कम से कम सालन में थोड़ा सा मसाला या थोड़ी सी ग्रेवी पसंद की जाती है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में जो है ना वो नहीं बच्चे या मेरे हस्बैंड पसंद करते, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ना मसाला टाइप बनाऊँगी। इसको हम कर रहे हैं कवर। फ्लेम मैंने कर दिया है इसका जी
मीडियम पे 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू हमें आ रही है। अब हम इस तरह करेंगे, फ्लेम अपना लो पे ही रहने देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे इस स्टेज पे क्रीम, क्योंकि क्रीम ने आपको कहा है क्रीम या दही अगर आपने यूज़ करना हो तो फिर आपने फ्लेम जो है वो लो पे रखना है। बस थोड़ी सी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर समय लेके हमारी चिकन जिंजर जो है तैयार हो चली है। साथ ही मैं इस तरह करती हूँ, इसमें शामिल करती हूँ गरम मसाला, साबुत धनिया और ज़ीरा पाउडर। हमने पहले शामिल नहीं किया था, हो गया पहले हम शामिल करते तो थोड़ा हमारे जो चिकन जिंजर की जो सालन है इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाना था ना, तो लास्ट में शामिल करेंगे तो इससे कलर इसका डार्क नहीं होगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। फिर आके मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्लेम जो है ना लो से मीडियम पे कर दूंगी। साथ हम इस तरह करते हैं, इसमें शामिल करते हैं जिंजर। चिकन जिंजर है तो जिंजर इसमें अपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपको खा के महसूस हो कि आपने वाकई चिकन जिंजर बनाया है। चिली डाल देंगे इसमें, फ्लेम अगेन मैं मीडियम लो पे कर देती हूँ। सबज धनिया 1/2 मिनट के लिए बस मैं इसको दम पे रखूंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी से हमारी चिकन जिंजर जो है वो रेडी हो गई है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा आपको मज़ा देगी घर की ये रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और मज़े मज़े के खाने अपनी फैमिली को बना बना के खिलाएं और इन्जॉय करें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी लेके ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।